नमस्कार दोस्तों, आइए समझते हैं कि आजादी के बाद कैसे भारत ने स्ट्रेटेजिकली लक्षद्वीप को अपने कब्जे में किया। लक्षद्वीप को हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ऑलमोस्ट कैप्चर करने ही वाला था, क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी टेरिटरी है जहां पर कि 97% ऑफ लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। अगर हम आज की बात करें तो लक्षद्वीप भारत का एक अभिन्न अंग है, जो कि 36 आइलैंड का एक ग्रुप है। इसका टोटल एरिया 32.69 स्क्वायर किलोमीटर्स है। केवल 10 आइलैंड्स ही इनहैबिटेड हैं, यानी कि केवल 10 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। ये काफ़ी छोटा एरिया है और लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। इसके क्लियर वाटर बीचेस और लैंडस्केप्स बहुत ही खूबसूरत हैं और इनको मालदीव से भी कंपेयर किया जाता है। इस यूनियन टेरिटरी को 1956 में फॉर्म किया गया। उस समय इसको लक्षद्वीप, मिनिकॉक और एमएनडीवी आइलैंड्स के नाम से जाना जाता था। 1973 में एक पार्लियामेंट एक्ट के तहत इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप न सिर्फ स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट टेरिटरी है, परंतु नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत क्रिटिकल है। 1947 में आज़ादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान दोनों देश अपनी टेरिटरी एक्सपैंड और कंसोलिडेट कर रहे थे, तो पाकिस्तान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने पाकिस्तानी नेवी को कराची से लक्षद्वीप में भेजा उसको कैप्चर करने के लिए। कराची से लक्षद्वीप की दूरी तकरीबन 1726 किलोमीटर की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम और स्टेट अफेयर्स के इंचार्ज भी थे, उनको इंटेलिजेंस से ये खबर मिली कि पाकिस्तानी नेवी कराची पोर्ट से निकल चुकी है। उन्होंने तुरंत बिना विलंब के केरला के कलेक्टर को ये SOS मैसेज किया कि वो पुलिस ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट करें कि वो आर्म्स और अम्यूनिशंस को लेकर लक्षद्वीप चले जाएं। जिनके पास बंदूकों की कमी है तो वो लाठी लेकर ही चले जाएं और लक्षद्वीप को कैप्चर कर लें और वहां पर अपना तिरंगा फहरा दें। जब केरला के पुलिस फोर्सेस ने लक्षद्वीप में पहुंचकर हिंदुस्तान का झंडा फहरा दिया, तब तकरीबन आधे घंटे बाद पाकिस्तानी नेवी का शिप लक्षद्वीप पहुंचा और हिंदुस्तान का झंडा देखकर वापस चला गया। उनको कुछ ऐसा लगा कि शायद लक्षद्वीप में इंडिया का हैवी आर्मी और नेवी प्रेजेंस है, हालांकि वहां पर केरला पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स ही थे। और इस तरह पाकिस्तान लक्षद्वीप को कैप्चर नहीं कर सका। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तुरंत एक्शन नहीं लिया होता तो लक्षद्वीप आज भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का पार्ट होता। सरदार पटेल एक दूरदर्शी लीडर थे और भारत के यूनियन ऑफ स्टेट्स होने में उनका बड़ा योगदान है। लक्षद्वीप तो केवल एक उदाहरण है, लेकिन अगर आप जोधपुर, जूनागढ़ या फिर हैदराबाद की बात करें तो इन सभी के भारत में स्मूथ इंटीग्रेशन का क्रेडिट तो सरदार पटेल को ही जाता है। अगर हम लक्षद्वीप के डेवलपमेंट की बात करें तो आज़ादी के बाद लगभग सभी गवर्नमेंट्स ने इसको बुरी तरह इग्नोर किया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 3 साल पहले तक लक्षद्वीप में कोई पावर जनरेशन नहीं होता था, और अगर किसी को अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना हो तो खुद का जनरेटर यूज़ करना पड़ता था। इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक बेसिक नीड है, वो भी अवेलेबल नहीं थी। गवर्नमेंट ने फिलहाल मल्टीपल सोलर प्लांट लगाए हैं पावर जनरेशन के लिए। लक्षद्वीप में मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है और इसको मालदीव्स की लाइन पर डेवलप किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में ये वर्ल्ड का टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन होने वाला है। फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लोटिंग विलास और रिजॉर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं। इससे लोकल्स का बहुत फ़ायदा होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और रेवेन्यू एनहांसमेंट में। लक्षद्वीप की राजधानी कावाराती को स्मार्ट सिटी फेज 4 में इंक्लूड किया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 527 करोड़ रुपीज़ का बजट एलोकेट किया है। लक्षद्वीप से मेनलैंड इंडिया की कनेक्टिविटी भी बहुत पुअर है और इसके लिए भी 260 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं। इन नए प्रोजेक्ट्स के आने से एनवायरमेंट्स के कुछ इश्यूज़ भी रेज हुए हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बनाते वक्त एनवायरमेंट्स के सारे नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। आइए आशा करते हैं कि लक्षद्वीप, जिसको कि दशकों से निगलेक्ट किया गया था, वहाँ पर मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टाइमली एग्जीक्यूट हों और लक्षद्वीप वर्ल्ड का नंबर वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विनोद सिंह। नमस्कार।